हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हमारा टॉपिक है फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, और ये हमारी थर्मल पावर प्लांट की सीरीज़ में से एक वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बेसिकली जो है तीन मेजर थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको दो भागों में अगर बांटा जाए तो प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं LDO और HFO, और सेकेंडरी फ्यूल में आता है हमारे पास कोल। प्राइमरी फ्यूल जो LDO है, LDO और HFO, हमने इन दोनों को जो है प्राइमरी फ्यूल लिखा है, क्योंकि जब आप बॉयलर को इग्नीट करना शुरू करते हो, जो आप स्टीम को इनिशियली स्टार्ट करना शुरू करते हो बॉयलर में, जो प्रोसेस शुरू करते हो जिसको हम लाइट अप बोलते हैं, तो उसमें ये स्टार्टिंग में LDO और HFO का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोल का एक सर्टेन पॉइंट के बाद इस्तेमाल किया जाता है। LDO और HFO क्या होते हैं? LDO होता है लाइट डीजल ऑयल, और ये जो हमारे पास डीजल ऑयल होता है उसकी कैटेगरी होती है जो बहुत लाइट होता है, लो टेम्परेचर पे भी बर्न आउट हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है। HFO जो होता है हमारे पास हैवी फ्यूरनेस ऑयल होता है, ये बहुत ही विस्कस होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है ये, और ये डिस्ट्रप्टिव डिस्टिलेशन जो होता है क्रूड ऑयल का उसमें सबसे लास्ट में मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, इसमें पॉल्यूशन भरा होता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट क्या होता है तो उसमें कचरा काफ़ी कुछ होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा विस्कस भी होता है ये। और ये सबसे पहले जो है शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाने वाला था, क्योंकि बहुत लो कॉस्ट होती है इसकी, लेकिन ये हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसको इग्नीट करने से बहुत बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसलिए अब इसका यूज़ जो है बंद हो गया है। देखिए, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त ये हमारे प्लांट की चिमनी से निकलने वाला काला धुआं आप देख सकते हैं। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ से हमारे पास ये, तो आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का जो हमारे पास निकल रहा है धुआं, ये चिमनी से निकल रहा है और ये इस वक्त बहुत काला है, तो ये एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करेगा जो इतने ज़्यादा इसमें ऐश पार्टिकल्स हैं। तो इस वक्त जो होता है हमारे पास, इससे भी आप पता लगा सकते हैं, HFO जो है अब जो नए नॉर्म्स आए हैं पोल्यूशन के, एनवायरमेंटल कंट्रोल के, उनके हिसाब से हमारे प्लांट में अब HFO का इस्तेमाल होना बंद हो गया है, और लगभग ऑलमोस्ट सभी इंडियन प्लांट्स में अभी HFO का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि हैवी फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जगह हमारे पास LDO का ही इस्तेमाल किया जाता है। LDO को ही वहाँ तक इस्तेमाल किया जाता है जब एक सर्टेन पॉइंट तक हम पहुँचते हैं, और जब हम लोड पाना शुरू करते हैं उससे थोड़ी देर पहले हम कोल मिल्स को ले लेते हैं। और हमारे पास अब कोल की बात करते हैं, जो सबसे मेन फ्यूल है। कोल ही क्यों? कोल इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़िलहाल अफोर्डेबल है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है बाकी किसी और फ्यूल से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल भी हो जाता है। हालांकि ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट करता है, रेडिएशंस के मामले में हो या ऐश पार्टिकल्स के हो, कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसको हैंडल करना भी बहुत आसान है। आप इसका आसानी से स्टॉक बना के रख सकते हैं, कहीं ओपनली रख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा नहीं होता, इसका मतलब कुल मिला के जितने हम देखें लेबर कॉस्ट जो होती है, इसको पाउडर फॉर्म में बना के इसको बॉयलर तक लेके जाने की जो कॉस्ट आती है, वो सारी ओवरऑल कॉस्ट को अगर हम मिलाएं तो ये हमें सबसे ज़्यादा चीप पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि ये हाई लोड पावर इसका फैक्टर भी है, यानी कि ये लोड को आसानी से हैंडल कर लेता है, ये मतलब कि जब इसको हम इग्नीट करते हैं तो ये इतना कैपेबल होता है कि हमारे पास ये पावर प्लांट का लोड जो है ले ले। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू, इससे मैं जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।